आगामी दीपावली त्योहार पर सुरक्षा के मद्देनजर जनपद भर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उसी के तहत बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जनपद उद्धम सिंह नगर के जसपुर में धर्मपुर बॉर्डर पर अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सुरक्षा को लेकर चौपहिया वाहनों के साथ साथ भारी वाहनों की चेकिंग की गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि आगामी त्योहार को लेकर बॉर्डर के साथ साथ अंदर बाजार में भी चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। हम लोगों ने लगातार बॉर्डर पर और अंदर मार्केट के अंदर भी लगातार जो है चेकिंग शुरू की है। बॉर्डर पे जो बाहर की गाड़ियां हैं लगातार उन पर जो है चेकिंग की जा रही है, उनकी निगरानी की जा रही है कि कोई भी अवांछित अपराधी तत्व जो है हमारे जनपद में प्रवेश न करें, कोई ऐसी सामग्री और ऐसी कुछ भी वस्तु जो है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से जो है खतरनाक हो उसका भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और लगातार ये चेकिंग रैंडमली चलती रहेगी और त्योहारों की दृष्टि से ही इसको जो है सुरक्षा हमारी जो है बनी रहे। दीपावली को लेकर 3 साल बाद अब बाजारों में रौनक नजर आने लगी है। भगवानपुर में व्यापारियों में इस बार खुशी देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि वर्ष 2019 के बाद इस वर्ष दीपावली को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। 2020 और 2021 में लॉकडाउन के चलते दीपावली फीकी रही थी, लोगों में डर का माहौल बना हुआ था, जिसकी वजह से दीपावली का त्यौहार धूमधाम से नहीं मन पाया था। लेकिन इस साल दीपावली को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और व्यापारियों में भी इस बात को लेकर खुशी का माहौल बना हुआ है। इस बार 2 साल के बाद लोगों में बड़ा उत्साह है दिवाली को लेकर। जिस प्रकार से आप लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं बाजार के अंदर, किस प्रकार से लोगों में पूरा उत्साह है। इस बार हर व्यक्ति बहुत ही उत्साह के साथ दिवाली को मना रहा है, क्योंकि अब की बार 3 साल के बाद लोगों को मौका मिला है अपने त्यौहार को अच्छे से मनाने का। और ये त्यौहार हिंदू मुसलमान के एकता का प्रतीक है और सब में एक दूसरे में प्यार बढ़ने का प्रतीक है। कोविड काल चला हुआ था, उसकी वजह से पब्लिक बाहर नहीं निकल पा रही थी, लोग डर रहे थे, एक डर का भय था बना हुआ। लेकिन अब क्या जो देखते हुए हमारे हिंदू समाज में भी देखते हैं और सभी भाइयों के सहयोग से हमारी जो दीपावली है बहुत अच्छी बनने जा रही है और बाजार में रौनक भी है। और हम सभी से चाहते हैं कि अपने मतलब जो है स्वदेशी जितने भी हमारे सामान है सबका उपयोग करें। पीएम नरेंद्र मोदी के बद्री केदारधाम के यादगार दौरे का सुखद समापन हुआ। बद्रीनाथ धाम के खुशनुमा मौसम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे बद्रीनाथ हेलीपैड से देहरादून के लिए MI-17 हेली से देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को रवाना हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लिए 3400 करोड़ रुपए कनेक्टिविटी विकास कार्यों का दीपावली गिफ्ट दिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक ओर बाबा केदारनाथ में रुद्राभिषेक किया तो वहीं बद्रीनाथ में ही पूजा अर्चना कर देश और विश्व के कल्याण की कामना की, जिसको लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ से विश्व कल्याण और देश की सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ और बैकुंठ धाम में बैठे बद्रीनाथ से पूजा अर्चना की, इससे हमारे देश और प्रदेश में खुशहाली आएगी, हमारी संस्कृति विरासत को विश्व पटल पर पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये छठा दौरा था और केदारनाथ धाम में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी वो स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं समय समय पर। उत्तराखंड के टूरिज्म को बढ़ाने वाली और आस्थावान लोग जो दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं उनके दर्शन करने के काम को आसान करने वाली 3400 करोड़ से अधिक की 3 रोपवे का जो शिलान्यास किया है और देश के सबसे लंबे 12.4 किलोमीटर के लगभग केदारनाथ धाम का रोपवे और हेमकुंड साहिब का रोपवे, ये 2 सबसे लंबे रोपवे बनेंगे। इससे कम समय में अधिक यात्री दर्शन का लाभ उठा सकेंगे, उनकी यात्रा आसान होगी, इसके कारण टूरिज्म बढ़ेगा। पर्यटन नगरी मसूरी में धनतेरस के पर्व पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस मौके पर विशेषकर लंढौर बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे व्यवसायियों के चेहरे खिल गए। पर्यटन नगरी मसूरी में धनतेरस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने से समृद्धि आती है। और
और जैसे ये दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है, पिछले दो वर्षों से इसको ठीक ढंग से कोरोना काल के टाइम पे मना नहीं सके, लेकिन आज जैसे ये कोरोना ख़त्म हुआ हमारे देश में तो सारी लहर पूरे मसूरी शहर में भी दौड़ पड़ी है। सारे लोग भीड़ भाड़ सामान सब ले ही रहे हैं, सोना चांदी थोड़ी चांदी सस्ती भी है तो भी। मैडम सबसे बड़ा बाजार लोगों के अंदर खरीदारी के लिए बहुत उत्साह है, क्योंकि दो सालों से जो वो त्योहारों को एंजॉय नहीं कर पाए थे, इस बार वो सारे लोग सामान लेने आ रहे हैं। सोना चांदी चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, लेकिन बड़े हर्षोल्लास से सब लोग खरीद रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। पिछले साल से बहुत बेहतर दिख रहा है मंजिल पान मार्केट, मार्केट में जान है, ग्राहक है, कस्टमर है, दुकान सजी रही है, सजावट पूरी है। तो कुल मिला के मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर रुझान बहुत अच्छा है इस बार कस्टमरों का, उनका थोड़ा सा मन भी लग रहा है, खुशी भी है, जो दो साल कोरोना में गुजरे थे उसको शायद भूल जाएं और अपना ये पर्व हमारा जो दीपावली का है उसे धूमधाम से मनाएंगे।